नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट एज ए कंसल्टेंट इन रीजेंसी हॉस्पिटल। आज जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग फरवरी में हर 4 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि पहली बार ये वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2000 को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 4 फरवरी को हम एज ए वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। आखिर वर्ल्ड कैंसर डे मनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा माना गया है कि हर साल कैंसर से तकरीबन 10 मिलियन डेथ हो जाती हैं वर्ल्ड वाइड, और अगर यही रेट चलता रहा तो ऐसा समझा जाता है कि 2030 तक यह रेट 10 मिलियन से बढ़कर 13 मिलियन हो जाएगा, अगर इसी रफ्तार से कैंसर फैलता रहा। तो इसलिए अब हमें इसमें स्टेप उठाना है ताकि इसकी जो रेट है, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, उसको हम कम कर सकें। 10 मिलियन डेथ का मतलब ये है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड HIV की डेथ रेट, ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली डेथ, मलेरिया से होने वाली डेथ, अगर इन तीनों बीमारियों से होने वाली डेथ को हम कंबाइन कर लें, तो भी हर साल कैंसर से होने वाली मृत्यु या डेथ इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि अब हम अवेयरनेस फैलाएं और कैंसर की रोकथाम के बारे में सोचना शुरू करें। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की जो टैगलाइन है वह है आई एम एंड आई विल, वो मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। आखिर अवेयरनेस से होगा क्या? हम वर्ल्ड कैंसर डे से अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो उससे होगा क्या? ऐसा माना जाता है कि 1/3 ऑफ कैंसर को सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कम किया जा सकता है, और 1/3 कैंसर को अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो क्योर कर सकते हैं। मतलब कहने का कि 2/3 ऑफ दिस होल मेलिग्नेंसी कैन बी कंट्रोल्ड, चाहे हम उसको स्क्रीनिंग द्वारा कंट्रोल कर सकें, चाहे हम अर्ली डिटेक्शन या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके हम इसको कम कर सकें। तो अगर 100 में 70 लोगों को हम इस अवेयरनेस के द्वारा एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, उसे इस कैंसर की बीमारी से हम रोक सकते हैं, और इसलिए ये अवेयरनेस फैलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जो टैगलाइन है वह है आई एम एंड आई विल। आई एम का मतलब ये है दैट कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वह किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, टीचर हो, जर्नलिस्ट हो, इंजीनियर हो, हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, आप जो कोई भी हैं, आप यह ना समझें कि आपका एक्शन कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकता। आपका एक्शन, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, वह कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। आई एम एंड आई विल। आई विल का मतलब यह है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन कैंसर से संबंधित है, या मैं और ज़्यादा उसके बारे में पढ़कर कैंसर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, उस कैंसर की इंफॉर्मेशन को या अपने किसी भी एक्शन के द्वारा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कैंसर के पेशेंट को घर से ले जाकर अस्पताल ले जाना है, चाहे कैंसर का पेशेंट जो घर में अकेला है, उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है मान लीजिए, तो आप उसको दवाइयाँ प्रदान कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से कैंसर अवेयरनेस में ही इंक्लूडेड है। तो आप ये ना समझें कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो प्रोफेशन इंजीनियरिंग का है, तो मैं किस प्रकार से कैंसर अवेयरनेस फैला सकता हूँ। जी बिल्कुल फैला सकते हैं। आपका हर एक एक्शन जो कैंसर से संबंधित हो, मान लीजिए कोई कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें आपने डोनेशन दिया, कैंसर के मरीजों की सेवा के लिए आपने उनके साथ चलकर उनका ट्रीटमेंट कराया, ये सारे एक्शन कैंसर अवेयरनेस में ही है, और इससे आपके इस छोटे से एक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और कैंसर अवेयरनेस फैलता है। बड़े बड़े एक्शन, जैसे मान लीजिए आपने सेमिनार किए, बड़े कॉन्फ्रेंसिस किए, बड़ी ग्रुप मीटिंग्स की, उसके द्वारा भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो इसलिए इस बार का जो टैगलाइन है वह रखा गया है आई एम एंड आई विल, कि हर इंडिविजुअल एक तरीके से कैंसर की अवेयरनेस को फैला रहा है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे समाज में कैंसर को लेके कई सारे मिथ होते हैं,
एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है हमें एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट इस मिथ को तोड़ने में, कि 50% पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि हम कोई भी सुई डलवाकर किसी प्रकार की कोई बायोप्सी नहीं करवाएंगे, और जो हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वे सब इस बात को समझती हैं कि बिना बायोप्सी के हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कई सारे हमें टेस्ट करने होते हैं ताकि हम सटीक इलाज कर सकें, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये मिथ बहुत ज़्यादा बहुत अंदर तक गया हुआ है कि मरीज अल्टरनेटिव मेडिसिन पे चला जाता है, झाड़ फूँक करवाने लगता है, इनइफेक्टिव मेडिकेशन लेता रहता है, लेकिन बायोप्सी से घबराता है। उसके दिमाग में ये बात भरी हुई है कि अगर बायोप्सी करा लेंगे तो ये रोग फैल जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ज़माना था जब कार्डिक ट्रांसप्लांट नहीं होता था, लेकिन अब होता है। रीनल ट्रांसप्लांट नहीं होता था, अब होता है, अब हर शहर में होता है। उसी प्रकार से कहने का मतलब कि उसमें रिफाइनमेंट आए, उसमें और सटीक तरीके से चीज़ें करने लगे तो चीज़ें सक्सेसफुल होने लगी, वैसे ही बायोप्सी का है। आज के तारीख में इतनी सटीक इन्वेस्टिगेशंस हैं, इतने सटीक स्किल्स मौजूद हैं डॉक्टर्स के पास कि वे बिना इस तरीके की कोई भी मन में धारणा रखना बेकार है। बहुत आराम से बायोप्सीज होती हैं, बड़े बड़े सेंटर में होती हैं, हर जगह होती हैं, और लोग करवाते हैं, और जो लोग करवाते हैं उनको उसका फायदा भी मिलता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंसर के डिस्कशन पे, फेफड़े का कैंसर, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, पॉल्यूशन, ये सब आम बात है, और इस वजह से हमारे लंग काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें कैंसर भी हो जाता है। तो किसी भी कैंसर का जब हम डिस्कशन करते हैं तो एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है अर्ली डिटेक्शन, और एक होता है कैंसर हो गया तो ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन, कैंसर का प्रिवेंशन हर व्यक्ति को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम प्रिवेंशन लेते नहीं, जैसे कि स्मोक नहीं करना है, टोबैको कंजम्पशन से दूर रहना है, एयर पोल्यूशन को कम से कम करना है, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड जो हम सब्जियों द्वारा, फलों द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, उनसे उनको कम करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोबैको कंजम्पशन। लेकिन हर व्यक्ति को पता है टोबैको की पुड़िया पर भी फोटो बनी होती है, सिगरेट के डिब्बे पे भी फोटो बनी होती है, उस पर स्पेसिफिकली लिखा भी होता है, लेकिन उसको पढ़कर भी हम लोग एक एक सोसाइटी में ये दिखाने के लिए, अपने पीयर ग्रुप्स में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत माचो हूँ, मुझे बहुत कुछ, मेरा बॉडी बड़ा ही एक अलग तरीके से बना है, मुझे इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार। प्रिवेंशन, यही प्रिवेंशन है कि अगर आप इस तंबाकू सेवन से अपने आप को दूर रखें, सोसाइटी में पॉल्यूशन कम से कम करें, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर को का यूज़ भी हम कम कर सकें, यह है प्रिवेंशन की बात। प्रिवेंशन में एक होता है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। आप अगर घर जाते हैं स्मोक करते हैं तो आप वही स्मोक अपने घर में फैलाते हैं, जिससे आपके परिवार वाले, चाहे आपके बच्चे हों, आपके स्पाउस हों, आपके पेरेंट्स हों, वे भी उसे इनहेल करते हैं, और वो स्मोक नहीं करते, लेकिन उन्हें आपके स्मोक करने के कारण कैंसर हो सकता है, और उसके उससे होने वाले दुष्परिणाम उनको झेलने पड़ सकते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को आप रोक कर न केवल अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने परिवार वालों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अब जब अगली बार आप स्मोक करें तो अपने आँखों के सामने अपने फैमिली मेम्बर्स का चेहरा जरूर लेकर आइएगा, कि इससे न केवल आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि उनका भी नुकसान कर रहे हैं, और ये नुकसान हेल्थ वाइज तो है ही, फाइनेंशियली भी कितना नुकसान है, आपको पता नहीं चलता, आप थोड़ा 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 करके बहुत सारा फाइनेंसिस भी घर का खत्म करते जाते हैं, तो ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं। अब हम आते हैं अर्ली डिटेक्शन। कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि अगर हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लें और उसका ट्रीटमेंट वहीं कर दें तो काफ़ी सारे पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं, उनका कैंसर जो है वह ख़त्म भी हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए जो पेशेंट्स जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है, 10 साल से 15 साल से स्मोक करते आए हैं, उन्हें एक बार सीटी टेस्ट कराकर देख लेना चाहिए। उसमें कई बार कोई पल्मोनरी नोड्यूल्स दिख जाता है जो कि अर्ली स्टेज होती है, और उस वक्त हम सर्जरी करके उसको ठीक भी कर सकते हैं।
तो ये स्क्रीनिंग होती है, इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग, कि भले ही आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं है पर आप एक हाई रिस्क ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप स्मोकर हैं, तो आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमें कैंसर का एक सटीक डायग्नोसिस करना पड़ता है, क्योंकि फेफड़े का कैंसर अपने आप में कोई एक कैंसर नहीं है, ये बड़ी ही हेट्रोजीनियस बीमारी है। इसमें तरह तरह के कई वैरायटीज़ होते हैं जो कि कैंसर करते हैं, और सभी वैरायटीज़ की अपनी एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। कोई ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कोई कम एग्रेसिव होते हैं, किसी में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी में कीमोथेरेपी व रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए, जैसा पहले भी मैंने कहा कि हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। हम डायग्नोसिस तभी बना पाते हैं इमेज गाइडेड, चाहे अल्ट्रासाउंड गाइड या सीटी गाइडेड, हम लोग सुई लेकर जाते हैं और जहाँ पर भी गांठ होती है वहाँ से छोटा सैंपल निकाल कर पैथोलॉजी में हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कैंसर के सेल मौजूद हैं कि नहीं। अगर कैंसर के सेल मौजूद हैं तो उसकी टाइपिंग करते हैं, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जिसे इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, जेनेटिक एनालिसिस होती है, वह सारे टेस्ट करके हमें सटीक डायग्नोसिस बनाते हैं। और उसके बाद किसी भी पेशेंट को मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वे सब आपस में बैठते हैं, हर केस को डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग ट्यूमर बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं। तो किसी भी अच्छे कैंसर सेंटर में आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वहाँ पर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, कोई सिंगल सिंगल इंडिविजुअल डॉक्टर नहीं होता। वे टीम ऑफ डॉक्टर्स हर पेशेंट को डिस्कस करते हैं और एक ये फैसला लेते हैं कि पहले हमें इस पेशेंट की सर्जरी करेंगे, उसके बाद हम रेडिएशन करेंगे या कीमोथेरेपी करेंगे, या पहले कीमोथेरेपी करेंगे उसके बाद सर्जरी करेंगे। तो एक वहाँ पे डिसीज़न लिया जाता है कि किसी पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लंग कैंसर बोला और हर लंग कैंसर के हर मरीज को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, हर इंडिविजुअल की बीमारी दूसरे इंडिविजुअल की बीमारी से अलग होती है। हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी चल रहा हो, लेकिन आप किसी को जानते हो जिसको फेफड़े कैंसर था, लेकिन उसको सिकाई चल रही है या रेडिएशन चल रही है, तो वह उसका एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है और यह आपका ट्रीटमेंट है, जो कि एक जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं उन सब ने आपस में बैठकर मंत्रणा करके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में भी कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट होती है। लेकिन फिर वही, जैसा मैंने कहा कि अपनी सोसाइटी में इतने सारी मिथ हैं, एक मिथ ये भी है कि ये जो कीमोथेरेपी होती है ये सांप का जहर होती है, कीमोथेरेपी लेने से आदमी अपंग हो जाता है, लेट जाता है, उठने लायक नहीं बचता है, मृत्यु मृत समान हो जाता है। ये सब भी बेकार की बातें, गैर गुजरे जमाने की बातें। पहली बात तो कोई भी कीमोथेरेपी में सांप का जहर नहीं होता। जिस प्रकार से दवाइयाँ इन्फेक्शन के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं और उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं, उसी प्रकार से जो दवाइयाँ कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उनको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। और ये कीमोथेरेपी भी वैसे ही ग्लूकोज की बोतल में डालकर धीरे धीरे दी जाती है, पेशेंट उसको बहुत आराम से लेता है। अच्छे सेंटर में, दुनिया भर के अच्छे सेंटर्स में कीमोथेरेपी दिन रात दी जाती है और मरीज लेते हैं और ठीक होते हैं। किसी मरीज को कोई लकवा नहीं मार जाता, कोई बिस्तर नहीं पकड़ लेता, सब अपना डेली एक्टिविटीज करते रहते हैं, इवन ऑफिस का काम भी करते रहते हैं और हम उनको एनकरेज करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से 50 साल पहले कीमोथेरेपी उतनी एडवांस नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं थी, बेसिक मॉलिक्यूल्स थे जिनके थोड़े साइड इफेक्ट हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में जब चीज़ें इतनी प्रिसाइज हो गई हैं, इतनी साइंटिफिक नॉलेज हो गई है हमें हर कैंसर के बारे में, और इतना सपोर्टिव केयर इतना अधिक बढ़ गया है कि हम किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरीके की कोई भी बाधा बिल्कुल सपोर्टिव केयर से दूर कर सकते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी से हमें घबराना नहीं है, हमें ट्रीटमेंट लेना है और अपने आप को अच्छा करना है। ट्रीटमेंट में और भी आजकल नए नए एडवांसेस आ गए हैं, जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपीज होती हैं, इम्यूनोथेरेपीज होती हैं, टारगेटेड एजेंट्स होते हैं। तो ये सब भी आजकल जो लंग कैंसर है उसमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और मरीजों की जो लाइफ है वह काफ़ी एक्सटेंड होती जा रही है, उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं तो एक बार फिर से यही कहूँगा कि अपने आप को, आज चूंकि वर्ल्ड कैंसर डे भी है, तो मेरी तरफ से मैसेज तो यही है कि अपने आप को धूम्रपान से दूर रखें और डॉक्टर साहब से अपनी रेगुलर जांच जरूर कराते हैं। धन्यवाद।